जस पटियाला शाही किचन में आपका स्वागत है। आज हमने बनाई है मिक्स वेजिटेबल, मिक्स वेजिटेबल जो कि हमने रेस्टोरेंट स्टाइल बनाई है। आप इस सब्जी को इस प्रकार से बनाइए जिस प्रकार मैंने बनाई है, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाएगी हाइजीनिक वे से, क्योंकि हमने ये अपने घर में बहुत ही बेसिक सामान से और बेसिक मसालों से बना के तैयार करी है। तो चलिए देखते हैं कि हमने इसे किस प्रकार बनाया। तो मैंने ये सरसों का ऑयल लिया है, इसमें हम सारी वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे। पहले ये मैंने एक गाजर ली है, उसे लंबा लंबा काट लिया है, इसे हम बिल्कुल हल्का सा ही फ्राई करेंगे। तो बस देखिए इतना सा हमने इसे फ्राई करना है और इसे निकाल लेना सा। अब हमने लिए भिंडी, ये 15 भिंडी हैं, तो हमने छोटी वाली भिंडी ली है और इसको हमने अच्छी तरह से धो के हमने रख लिया था और आगे पीछे से हमने इसकी टिप उतार के इसको बीच में से एक कट लगाया बस, ताकि इसमें अच्छी तरह से मसाले जा सके। हमने इन सभी वेजिटेबल्स को ज़्यादा कुक नहीं करना। अब हमने बीन्स ली हैं, बीन्स को डाल दिया हमने ऑयल में, तो ये टोटल 15 बीन्स हैं। तो हमने इसको आगे पीछे से इसकी टिप काट के हमने इसे बीच में से कट लगा के हमने इसे काटा है। आप जिरी होगी है कुक, इसे भी हम निकाल देंगे। इसमें डाल रहे हैं छोटी बैंगन, जिन्हें हम बैंगनी बोलते हैं, ये टोटल 9 हैं। हमने इसकी भी आगे से टिप उतार के इसके बीच में हमने 4 कट लगा दिए थे, तो इन्हें भी हम फ्राई कर रहे हैं। तो ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, इन्हें भी हम निकाल लेंगे। तो अब हमने लिए ये अरबी, ये वेट में 150 ग्राम है। मैंने इसे अच्छी तरह से धो के साफ करके तो इसे काट लिए। और वेजिटेबल्स भी जो आप डालनी चाहते हो डाल सकते हो, जो आप हटानी चाहते हो वो आप हटा सकते हो। ये अरबी भी फ्राई हो चुकी है, इसे भी निकाल रहे हैं। हमने लिए ये फूलगोभी, फूलगोभी को भी मैंने 2 घंटे पहले धो के अच्छी तरह से रख दिया था, तो इसे भी फ्राई कर रहे हैं। काट के बिल्कुल अच्छी तरह से धो के तो हमने इसका वेट चेक किया तो ये 150 ग्राम है। अब ये गोभी भी फ्राई हो चुकी है, इसे भी निकाल रहे हैं। लिए 3 आलू, इसे भी फ्राई कर लेंगे। अब ये भी फ्राई हो चुके हैं, इन्हें भी निकाल लेंगे। एक शिमला मिर्च ली है, इसे भी फ्राई कर लेंगे। अब ये फ्राई हो चुकी है, इसे भी निकाल लेते हैं। ये मैंने लिए 1 कटोरी मटर, तो इन्हें भी डाल देते हैं। इन्हें हल्का सा ही फ्राई करने, तो इन्हें भी निकाल लेते हैं। मैंने लिया पनीर, ये 150 ग्राम पनीर है, इसे भी तल लेंगे। हमने ये पनीर को तल लिए तो इसे भी निकाल दिए। तो हम तड़का लगाना शुरू करते हैं वेजिटेबल्स को। ये तड़का लगाने के लिए मैंने 3 प्याज लिए हैं, तो इन्हें लंबा लंबा काट लिए। और इसी के साथ मैंने ये लिए 5 टमाटर मीडियम साइज़ के हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और 10-12 लहसुन की कलियां हैं और 3 है हरी मिर्ची, तो इन्हें हम चॉप कर लेंगे। तो मैंने कढ़ाई में बिल्कुल छोटी कड़छी मैंने ऑयल डाला है, क्योंकि वेजिटेबल्स हमने तली हैं उनमें भी काफ़ी ऑयल है। तो इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा और इसमें डाल देते हैं प्याज। ये मैंने 10-15 कड़ी पत्ते लिए हैं, इन्हें भी तोड़ लिए, इसे भी डाल दूँगी बीच में। इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच कसूरी मेथी, इसे अच्छी तरह से हाथ से क्रश करके डालेंगे। कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके डालने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अब इसमें डाल रहे हैं 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो अब इसमें डाल रहे हैं जो हमने टमाटर लहसुन अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट बना के रखा था, और हिला देंगे अच्छी तरह से। तो इसमें हम डाल रहे हैं 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1/2 चम्मच हम डाल रहे हैं जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच ही डाल रहे हैं धनिया पाउडर, और हम नमक डाल रहे हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट, अपनी सब्जी के हिसाब से और अपने टेस्ट के हिसाब से। तो इन सभी चीज़ों को हम कर देते हैं मिक्स। तो
तो अब हम इसमें सारी जो हमने फ्राई करके वेजिटेबल्स रखी हैं वो मिक्स करनी शुरू करेंगे। मोस्टली शादियों में ये वाली सब्जी जो है वो तवे पे बनती है, लेकिन जो हम कढ़ाई में बना रहे हैं ये किसी तवे वाली या शादियों वाली मिक्स वेज से भी कम नहीं है। तो इसे हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे। आप इतना याद रखिए कि हम इसे ढकेंगे नहीं, अगर हमने ढक दिया तो ये पानी पानी हो जाएगी। हमने इसमें पनीर डाल दिए क्योंकि ये सब्जी तकरीबन बनके तैयार ही है। अब ये सब्जी बनके हो गई है तैयार, आप देख सकते हो कितना अच्छा इसमें कलर आया है। तो इसमें डाल रहे हैं हम 1 चम्मच भर के गरम मसाले का, और इसके ऊपर डाल रहे हैं हम धनिया पत्ती। तो इसे हिला देंगे, मिक्स कर देंगे इसे। ये सब्जी बनके तैयार है। आप इसे रोटी, परांठा, पूरी, चावल किसी के साथ भी खा सकते हो। सच में ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुई है। आप इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इस सब्जी को बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।